तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन है। फजूल की बातों में अपना वक्त जाया मत करो। ये कोई फिजूल की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात में मेरे जीवन का बहुत बड़ा फैसला जुड़ा है। फैसला? कैसा फैसला? मैं आपके पास आपकी बात सुनकर रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसका फैसला। मिलन, तुम चिल्लाइए मत, मुझे बोलने दीजिए। दशरथ जी के साथ जो आपने बदतमीजी की है वो सभी ने देखा है, लेकिन प्रवीण भैया, उसके साथ आपने क्या किया? गायब या खून? मिलन, इन मामूली बातों के लिए प्रताप दत्त को अपनी उंगली तक हिलानी नहीं पड़ती। मेरे पैसे मारकर प्रवीण ने बस्ती वालों से धोखा किया है, बाबू का खून करके अरेस्ट हुआ है, उसके बाद लॉकअप से भागते हुए पुलिस की गोली से मारा गया है। बोलो बोलो मिलन, और क्या जानना चाहते हो? आपके रहते, मोहनलाल जी के रहते, उस इंसान का बॉडी गायब हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, आज तक कोई जान नहीं पाया कि उस इंसान का क्या हुआ। प्रताप दत्त से पंगा लेने वाला आखिरी सांस तक तड़प तड़प कर मरता है, प्रवीण के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसका मतलब पूरी कहानी के पीछे आपका हाथ था, है ना पापा? बस मुझे मेरा जवाब मिल गया, मिल गया। मिलन, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने प्यार के पास जा रहा हूँ, पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसके मन के दरवाजे में बार बार दस्तक दूंगा मैं, लेकिन आपके पास वापस नहीं आऊंगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? जूही, प्रवीण भाई की बहन, मेरी दोस्त, मेरी मोहब्बत, उसका प्यार पाने के लिए मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन आपका गलत साया अपने पे नहीं आने दूंगा। मिलन, गलती कर रहे हो तुम, तुम गलती कर रहे हो। सही कहा, नहीं समझ रही, और समझने की हालत में भी नहीं हूं मैं। तुम्हें देखकर घिन आ रही है, तुम्हें सामने देखकर गुस्सा आ रहा है। चले जाओ, चले जाओ मेरे सामने से। जूही, ऐसा मत कहो जूही। जूही, जूही, मेरे साथ ऐसा मत करो जूही। मेरे पिताजी की सजा मुझे मत दो जूही। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जूही, जूही, एक बार दरवाजा खोलो, एक बार खोलो दरवाजा प्लीज। जूही, दरवाजा खोलो प्लीज। क्या दामा जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, इधर बैठिए। अरे मर्द बनो, छोटी बच्चियों की तरह रोना बंद करो। अरे प्यार होता है दो दिलों का मिलन, जुड़ने से टूटता नहीं है। अब अगर प्यार किया ही है तो देवदास की तरह पारो, तुम्हारे सिवा नहीं रह पाऊंगा। ये सब करके फायदा नहीं है। अगर प्यार में पड़े हो तो प्यार जिससे किया है, मर्द बन के अपने प्यार को निभाना सीखो। लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं सुन रही। ये हुआ ना 4-2-1, 1-2-4, दो नाव पे पैर रखने की कोशिश मत करो। सुनो, तुम्हारा बाप हो रहा है तुम्हारे प्यार का दुश्मन। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम किसके साथ रहोगे, अपने बाप के साथ रहोगे या अपने प्यार के साथ? मैं अपने बाप को छोड़कर आ चुका हूँ। यानी कि अब तुम मेरी तरह हो, ना घर, ना गाड़ी, ना खाना, ना ठिकाना। हमारा भी वही हाल है भैया, 3 दिन बाद हमें भी घर छोड़ना है। डर मत, मिस्टर फंडोस जब तक तुम्हारे साथ है, 1 इंच भी जमीन किसी को छोड़नी नहीं होगी। ना भैया, आप इसमें मत पड़िए, वरना प्रवीण की तरह आपको भी ये लोग मार देंगे। हम तुम्हें अब खो नहीं सकते। क्या रे, सिर्फ हारने की बात क्यों करते हो तुम लोग, हारने की बात क्यों करते हो? अरे इस इलाके के जितने भी नौजवान हैं, एक साथ हो जाएं, कोई किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। यूनिटी चाहिए हमें, यूनिटी। हाँ, यूनिटी। क्या दामाद जी, और रोने की जरूरत नहीं है, बाप के महल को छोड़कर जब इस बस्ती में आ ही गए हो तो आज रात ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नहीं हो सकता, क्या कह रहे हैं आप, ये कभी नहीं हो सकता। पर
प्रवीण तो कह रहा था लड़का अच्छा है। प्रवीण प्रवीण प्रवीण, आपका प्रवीण कभी लौट कर नहीं आएगा। वो हमारा प्रवीण नहीं है, वो आदमी हम सबको धोखा देने के लिए आया है। चुप हो जाओ, मेरे प्रवीण के खिलाफ एक और शब्द नहीं कहोगी तुम। भगवान के लिए, आप जो चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन पापा, आप ये गलती मत कीजिए। आप जानते भी हैं किसके साथ जूही की शादी करवा रहा है। प्रताप दत्त ने आपके साथ सबके सामने कितना बुरा बर्ताव किया था। आपके बेटे की क्या हालत की थी उसने। आपको कुछ भी याद नहीं है पापा? वो प्रताप दत्त ने किया था, उसके लड़के ने नहीं। आप चुप रहिए, आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं। बहू रानी, तुम ऐसा करोगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पापा, पापा छोड़ मुझे बेटा, छोड़ मुझे, पापा छोड़ मुझे, पापा पापा। मेरी औकात के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। इतने दिन से फंटूष को देख रही हैं तो समझ नहीं पा रही कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं चाहता। न्याय पाने के लिए घर घर की ठोकरें खा रहे हैं आप लोग। क्या मिला उससे? उससे पहले सामने खड़े होकर लड़ाई करना सीखिए। अपने मन की अदालत में दोषी को कटघरे पे खड़ा कीजिए। प्रताप दत्त ने ये किया है, प्रताप दत्त ने वो किया है। हाँ, प्रताप दत्त ने आपका बहुत नुकसान किया है, लेकिन घर में रो रो कर उसे गाली देकर एक आंच भी नहीं पहुंचा सका प्रताप दत्ता को। प्रताप दत्ता, प्रताप दत्ता, प्रताप दत्ता, एक अनजान सा डर आप लोगों को सता रहा है। आप प्रताप दत्ता से डरते हैं, डरते हैं आप लोग सब प्रताप दत्ता से। सिर्फ आप नहीं, इस इलाके का हर एक इंसान उस प्रताप दत्ता से डरता है और इसी डर का फायदा वो उठाता है। आप गलत कह रहे हैं, प्रताप दत्त से मुझे डर नहीं लगता, घिन आती है। घिन आती है? अरे आपके वो घिन शब्द का घ तक उसके कान तक नहीं पहुंचता, इसलिए वो आप सबको एक गंदी नाली का कीड़ा समझता है, कीड़ा। लेकिन आज समय आया है उसके सामने खड़े होकर उससे बदला लेने का, लोहे से लोहा काटने का। एक बार, सिर्फ एक बार सोच के देखिए, आज प्रताप दत्ता के घर से उसके बेटे को उससे अलग करने का मौका मिला है आप लोगों को। इससे बड़ा बदला कोई और नहीं हो सकता। मिलन जूही से प्यार करता है, और इतना ही प्यार करता है कि वो अपने बाप के घर को छोड़ के यहां आ गया है। ये मौका प्रवीण के बदले मिलन, टिट फॉर टैट। आप चाहते क्या हैं? मिलन के साथ जूही की शादी, आज ही रात को। मिलन, टाइगर, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे पैसे लुटाकर मैं तुम्हें क्यों पाल रहा हूं? प्रताप दत्त का बेटा शादी करता है एक दर्जी की बेटी से, और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। सुनो, चाहे जैसे भी हो, मिलन को वापस ले आओ। चल,